नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं 10G न्यूज़। मैं मौजूद हूँ राजद कार्यालय के बाहर, जहाँ राजद कार्यालय में आए दिन मीडियाओं का जमावड़ा लगता है सुबह में और प्रवक्ताओं का, जिसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह ने एक नोटिस चिपका दिया है राजद कार्यालय के बाहर। आप देख सकते हैं कि उसमें साफ तौर से निर्देश पत्रकारों के लिए दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए ये निर्देश जारी किया गया है, कि उनसे अनुरोध भी किया गया है कि 11 बजे के बाद ही आप प्रदेश कार्यालय के अंदर जा सकते हैं और उसके बाद ही जो कह सकते हैं प्रवक्ता जो होते हैं पार्टी के, उनको 11 बजे के बाद ही आप बयान दे सकते हैं, क्योंकि आए दिन ऐसा होता है कि पार्टी के कार्यालय के बाहर ही जो राजद कार्यालय के प्रवक्ता हैं उन्हें बाइट देते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे विवादों पर बयान हो जाता है जिसके कारण जो पार्टी के लोग हैं उन्हें नाराज़गी का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर ये नोटिस बोर्ड चिपकाया गया है और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये नोटिस बोर्ड चिपकाया गया है, जिसमें साफ तौर से कह सकते हैं प्रवक्ताओं को ये निर्देश दिया गया है। आए दिन यहाँ पे पार्टी कार्यालय के बाहर जो है कभी तस्वीर आपको मीडिया और प्रवक्ताओं का दिखता है, क्योंकि सड़क के किनारे ही पार्टी के राजद कार्यालय के बाहर ही वो बाइट देते हैं, जिसके कारण ये निर्देश जारी किया गया है। और आए दिन कह सकते हैं अलग अलग पार्टी के अलग अलग प्रवक्ताओं का बयान जब आता है तो उन्हें पक्ष और विपक्ष का बयानबाजी शुरू हो जाता है, जिसको लेकर पार्टी ने ये निर्देश दिया है। और साफ तौर से जब हमने राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से बात की और उनसे पूछा कि मीडिया को अनुमति क्यों नहीं दिया गया है और प्रवक्ताओं को 11 बजे के बाद अपने सभा कक्ष में ही बयान देने का आदेश भी दिया गया है, तो हम पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये गेट नंबर 1 और 2 और अंदर की लगातार इस तरह के नोटिस बोर्ड चिपकाए गए हैं, साफ तौर से कह सकते हैं निर्देश दिया गया है, क्योंकि आए दिन जब प्रवक्ता बयान देते हैं जिसको लेकर ये नोटिस बोर्ड चिपकाया गया है, और उसके बाद ये नोटिस बोर्ड चिपकाने के बाद प्रवक्ताओं को भी निर्देश दे दिया गया और मीडिया को साफ तौर से एंट्री बंद कर दी गई है, और जो राजद कार्यालय में ये नोटिस बोर्ड जगह जगह पर चिपका दिया गया है। तो आए दिन इस तरह की खबरें जो आती है, सुर्खियों में आते हैं, मीडिया में बयानबाजी का जो दौर चलता है, उसके बाद ये निर्देश दिया गया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं जो राजद के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उनकी बातों को आप ज़रा गौर से सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। नोटिस चिपकाया गया है जिसमें लिखा गया है कि मीडिया कर्मियों को एंट्री नहीं है और 11 बजे के बाद ही कोई बाइट वगैरह प्रवक्ता दे सकते हैं, इस तरह का नोटिस चिपकाया गया। हमें लगता है कि उसको देखते देखते हमारे मीडिया के साथियों ने अनुरोध किया कि प्रवक्ता आते हैं, कोई नहीं मिलते हैं, बैठ लेने के लिए पत्रकार आते हैं, प्रवक्ता नहीं मिलते हैं। तो हमारे अध्यक्ष जी ने मीडिया के आग्रह पर, उन्होंने चूंकि एक समय जो खुलने का ऑफिस समय होता है उसके तुरंत बाद 11 बजे नहा धोकर के लोग आते हैं, जाड़े का समय है 11 बजे ही, फिर समय में तब्दीली भी होगी, 8 भी बज सकता है, 9 भी बज सकता है, अभी जाड़े के बच्चों को ख्याल करते हुए कोई अर्जेंट रहता, बाकी प्रवक्ता घर से बाहर से देते रहते हैं, लेकिन ऑफिस जो खुलता है 9-10 बजे की स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में 11 बजे और मीडिया बंधुओं के आग्रह पर ही एक जगह का मनाया गया है पार्टी कार्यालय के अंदर में, जहाँ बैठ करके प्रवक्तागण बयान देते हैं पत्रकारों के बैठने के लिए, उनका सम्मान के लिए, उनके पानी के लिए, क्योंकि आप किसी को आपके यहाँ कोई आता है तो उसका सबका ख्याल होना चाहिए। तो मीडिया बंधुओं के आग्रह पर ही हम लोगों ने, चाहे रोड पर सड़क पर जिस तरह से लोग देते हैं वो अच्छा नहीं लगता है, तो लोगों ने ही इनसे आकर के आग्रह किया था, उसी आलोक में कोई किया गया है। राजद के कई प्रवक्ता जो है सड़क पे ही बाइक दे देते हैं, इसकी वजह से रोक लगी है क्या प्रवक्ताओं पर कुछ? नहीं नहीं, देखिए एक बार जाननी चाहिए, देनी चाहिए, आप लेनी चाहिए लोगों से मैंने कि नहीं ठीक है, अब हमको सड़क पर क्यों, जो हमारे लिए जगह कर्णांकित है तो सड़क पर क्यों, प्रवक्ता गण के लिए तो चैम्बर ही मुहैया करा दिया गया है, ऑफिस ही मुहैया करा दिया गया है, तो फिर क्यों हम सड़क पर क्यों जाएंगे भाई। कई प्रवक्ताओं में तो बन नहीं रहा, ऐसा भी कुछ सोचना है क्या? ये सब फजूलने की बात है, ये सब फालतू की बात है, सब हमारे साथी हैं, सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, सही दलों में हैं, क्या भाजपा जदयू में जो प्रवक्ता है संजय सिंह से लेकर फलना बगा नहीं पड़ता है क्या, सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, हमारे कई साथी हैं, हमारे
तिवारी जी लगातार जो सब लोग चुनाव में रहे थे लगातार संभालते रहे, हमारे पार्टी के मनोज झा जी हैं, हमारे यहाँ सारे लोग हैं, एक दो नहीं है, चितरंजन गगन हैं, सब लोग अच्छे काम करने वाले लोग हैं। कौन हमारे पास प्रवक्ता जो अच्छे काम नहीं, सब लोग अच्छा काम करते हैं। सबका सहयोग बिना पार्टी चलती है क्या, कोई समाज चलता है क्या बिना सहयोग के? वहाँ निखिल आनंद हैं और जो संजय मयूख देते हैं तो दोनों नहीं पड़ता है क्या? तो आपने साफ तौर से देखा कि किस तरह से उन्होंने पार्टी के पक्ष में बयान दिया और कहा कि जो भी दिया गया है वो सही दिया गया है, नोटिस बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है वो साफ तौर से लिखा गया है कि कोई भी सभा कक्ष बनाया गया है, पार्टी कार्यालय का नियम है कि 11 बजे के बाद ही बयान दे, तो जिसको लेकर ये नोटिस चिपकाया गया है, तो ये उनका कहना है कि ये सही है और जो नोटिस बोर्ड चिपकाया गया है, आए दिन जो प्रवक्ता सड़कों के किनारे बाइट देते हैं, बयानबाजी देते हैं, जिसको लेकर ये निर्देश दिया गया है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे दस जी न्यूज़ के साथ।